जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ रिजवान और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। मैं आज जदीद रेसिपियों के साथ, जदीद रेसिपी, नित नए डिज़ाइन की रेसिपियां, टेस्टफुल रेसिपियां इंशाल्लाह लेके हाजिर हो गया हूँ आपके साथ। बहुत सारी डिमांड आ रही थी बहुत सारे भाइयों की, दोस्तों की, बहनों की, कि मलाई बोटी की रेसिपी बताएं। आज मैं आपको मलाई बोटी की रेसिपी देने लगा हूँ। बहुत ज़बरदस्त मलाई बोटी की रेसिपी है। 7 kg मेरे पास ये चिकन फिलेट है, 7 kg ये देखें इसकी मैंने, इस साइज़ में आपने बोटियाँ बना लेनी है। इस साइज़ में थोड़ी सी ये जो चिकन मलाई बोटी होती है इसकी थोड़ी सी बोटियाँ जो है ना जान में और थोड़ा साइज़ में बड़ी होनी चाहिए। ये इस तरीके से 7 kg की बना लें और टेंशन ना लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह आज बड़ी चेंजिंग है यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग जो है ना वो बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल के, देखो मेरे कमालात देखो आप बाबे के, हर किसी को मैंने इस काम पे लगा दिया, हर कोई कह रहा है रेस्टोरेंट स्टाइल से, रेस्टोरेंट स्टाइल से। इंशाल्लाह आप सीखो, टेंशन ना लो, हर बंदा तुहानू दसेगा, जेड़ा बंदा तुहाडे को लुकांदा सी रेसिपियां हर बंदा तुहानू हुण दसेगा। मैंने ऐसा काम सिस्टम चला दिया है बेरोजगारों के लिए, इंशाल्लाह आप लोग टेंशन ना लिया करें। 7 kg चिकन जदीद रेसिपी, और ये वाले इस तरह की देखो, इस स्टाइल की बोटी बड़ी बड़ी, ये देखें क्यूब की शक्ल में काट लें, टेंशन ना लिया करें। और ये देखें ये रेसिपी पूरी यूट्यूब पे आप छान लो, ये रेसिपी नहीं मिलेगी, लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं मेरे भाई, गलत दस दे पे तुहानू, असल बात नहीं बता रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, सीख लो कुछ इंशाल्लाह। ये मेरे मुझसे लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं बाबा जी वो तो 3 lakh rupees मांग रहे हैं इदारे वाले, प्राइवेट इदारे हैं, कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, प्राइवेट इदारे वाले 3-3 lakh rupees लेकर शेफ का जो है ना वो दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप लोग मुझसे सीखा करें इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में मैंने बहुत से जो बेरोजगार नौजवान थे उनको मैंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे काम पे लगवाया इंशाल्लाह, और इसी तरीके से अगर आप लोगों का साथ रहा तो बाहर के ममालिक में भी मैं आप लोगों की सपोर्ट करूंगा, जहां पे भी जिसको भी शेफ जरूरत पड़ेगा मैं इंशाल्लाह। लोग कहते हैं बाबा जी अपना सीखा हुआ भेजें, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप, मेरा टारगेट है 10,000 शेफ तैयार होने चाहिए पाकिस्तान से इंशाल्लाह, आप लोग मेरा साथ दें, दुआओं में याद रखा करें। मैं ये सारी बोटियां जो है ना 7 kg की बना लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7 kg को मैंने जो है ना देखे इस तरह क्यूब की शक्ल में मैंने काट लिया बोटियों को, टेंशन ना लिया करें। इसके साथ का मैंने एक बर्तन ले लिया, ये देखें ये मेरे पास तकरीबन 5 to 6 tablespoons लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने पेस्ट बना लिया था, ये मैं जग में शामिल कर दें, आप टेंशन ना लिया करें बिल्कुल भी। और इसके साथ ये देखें ये लेमन जूस है 3 tablespoons, ये शामिल कर दें लेमन जूस, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी। ये 2 tablespoons सौंफ है, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास तकरीबन देखें सब्ज़ मिर्चें हैं 70-80 grams सब्ज़ मिर्चें हैं, ये देखें ये शामिल कर दें, ये इसमें शामिल कर दें और इसको मैं ग्राइंड कर लूँ। ये देखें आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ने देखें जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें, सौंफ जो है ना, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। सौंफ बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी इसका, आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो भी इसको, अब इस रेसिपी को शामिल कर लें अपने रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह। ये देखें ये मेरे पास तकरीबन 250 grams क्रीम है, फ्रेश क्रीम, ये शामिल कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये देखें ये मेरे पास तकरीबन 300 grams दही है, दही शामिल कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें टेंशन ना लिया करें, जो मेरी बहनें लेडीज़ वगैरह ख़वातीन जो हैं वो घर में बनाना चाहती हैं तो वो बेशक मायोनीज़ इसमें मैं शामिल करूँगा, मायोनीज़ आप स्किप भी कर सकती हैं लेकिन रेस्टोरेंट में लाजमी डलता है। ये अथेंटिक रेसिपी बिल्कुल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये तकरीबन 200 grams मायोनीज़ है, ये शामिल कर दें इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी रेसिपी मायोनीज़ की मैंने आपको दी हुई है पहले, आई बटन में लिंक आ रहा है, आई बटन में लिंक आ रहा है मायोनीज़ की रेसिपी का, वहां से आप मायोनीज़ की रेसिपी देख लिया करें, टेंशन ना लिया करें इंशाल्लाह। ये देखें जी ये नुसाबा लंदन से हैं, रोजी आप हमारी लाहौर से हैं, अंजुमन बांग्लादेश से, गुलाम अब्बास अवान साहब लाहौर से हैं, शुमैला इंग्लैंड से, यासर भाई नार्वे से, सुहेल यूक्रेन से और रुबीना लाहौर से हैं,
वो 300 लोगों का खाना बना रही हैं घर से, 300, 250, 300 का डेली खाना बना रही हैं। माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे मेरी बहन, मेरा सलाम आपको पहुंचे, दुआओं में याद रखा करें, इसी तरीके से हिम्मत से काम करें इंशाल्लाह। हम लोग शेफ रामिश आपके साथ हैं, आप घबराया ना करें। मैंने 200 ग्राम शामिल कर दी इसके अंदर। अब ये देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास जो है ना ये ऑयल है, तकरीबन 100 ग्राम ऑयल ये शामिल कर दें ऐसे, ये देखें इस तरह शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास ये ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर 2 टेबल स्पून, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, ये देखें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून वाइट पेपर ये शामिल कर दें, और 1.5 टेबल स्पून ये देखें, ये 1 और ये 1.5 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये देखें ये लेमन जो है ना फ्लेवर है, लेमन एसेंस, ये देखें, ये मैं आपको बताऊं, 1/2 टेबल स्पून, 2 ढक्कन इसके बनेंगे, 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएगा इंशाल्लाह, अथेंटिक रेसिपी बिल्कुल। आप यूट्यूब पर चेक करें, ये कोई नहीं आपको बता रहा भाई, ऐसे आपको उलझा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलझा देते हैं। ये बिल्कुल मलाई बोटी बनेगी ओरिजिनल, आप जब तैयार करेंगे खाएंगे फिर आप बताइएगा मुझे इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से इसका ये मिक्सचर तैयार कर लूँ मैं, ये देखें, फिर अच्छे तरीके से ऐसे हाथ मार के ना इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें इंशाल्लाह। ये देखें वो जुमला कहाँ गया बाबा, दिल साफ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, दिल भी साफ थे, हाथ भी साफ थे, टेंशन ना लिया करो इंशाल्लाह। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं अपना कारोबार शुरू रखें इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। मैं पाकिस्तान आके आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह सब लोगों से, आप बिल्कुल घबराया ना करें, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। देखें इस तरीके का बन गया ये, ये देखें ये ओरिजिनल, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू, हाँ 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 क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा ये इंशाल्लाह, टेंशन ना लिया करें। ये लेंगे जी, ये ऐसे हो गया, ये लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 7 किलो जो है ना चिकन इसके अंदर शामिल कर दें, ये लें, ये देखें ये इसके अंदर शामिल कर दें, ये 7 किलो चिकन में मैंने ये सारा कुछ जो तैयार किया ये शामिल कर दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये लें जी इस तरीके से, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगी। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ इसके अंदर और क्या शामिल होगा। ये लें जी, ये देखें जी, ये चीज़ है, इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम चीज़ शामिल कर दें, ये देखें ये 100 ग्राम तकरीबन चीज़ शामिल कर दें, मुज़रेला चीज़, टेंशन ना लिया करें इंशाल्लाह, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये वो चीज़ बनेगी तो उसी आँखों के कुछ बने हैं, ये देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें ऐसे, ये ले जी, ये देखें ऐसे इसको मिक्स कर दें, मिक्स करके अच्छे तरीके से बिल्कुल, और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। 2 घंटे के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका पूरे तरीके से कोलों पर जो है ना इसको सेकने का तरीका बताता हूँ, किस तरीके से सेकना है, क्या लगाना है, किस कितनी टाइमिंग लगानी है, कितनी आपकी फ्लेम होना चाहिए, कितने आपके कोले होने चाहिए इंशाल्लाह। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। ये ले व्यूअर, ये तकरीबन मैंने आपको उस दिन टिक्का बोटी, ये जो था मलाई बोटी जो थी ना उसकी मैं रेसिपी कंप्लीट कर रहा था, लेकिन वो 5 दिन बाद आज मुलाकात हो रही है आपकी हमारी, 5 दिन हो गए इसको, मकसद है कि वो सेल होती गई फिर दोबारा लगती गई फिर सेल होती गई, 5 दिन के बाद मैं आज आपको मिल रहा हूँ, पुराना शेफ पुराना रिजवान जदीद रेसिपियों के साथ फिर मैं हाजिर हूँ, आपको अब इसका तरीका बताता हूँ ये कैसे फ्राई करनी है आपने पाकिस्तान में। बारबेक्यू, ये बारबेक्यू कैसे करनी है, ये 7 बोटियाँ लगेंगी इस पर और ये पाकिस्तान में 200 रुपये की सेल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, रेसिपी आपको बता दी, तरीका आपको बता दिया, इसको ऐसे उठाएं ऐसे डालें, ऐसे उठाएं ऐसे डालें, इसके साथ की सीखें ले लें। यहाँ पे ये ना जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 7 बोटियों का लगता है मेरे भाई, ये ऐसे डालें, 2, 4, 5 हो गई, यहाँ पे 12,000 की सेल, यहाँ पे ये 12,000 रुपये की सेल होती है अफ्रीका में, इसका रेट है 12,000 रुपये, 12,000 शिलिंग, 12,000 शिलिंग, 12,000 शिलिंग की सेल होती है। रामिश कितनी भरें, बस काफ़ी है, दिख बस 2 भर दें, एक बहुत है। अच्छा लें जी व्यूअर, मैं आपको अब ये वहाँ पे मिलता हूँ, बाहर जो है ना हमारा स्टॉल है जहाँ पे, इसको मैं आपको कोलों पे सेक के इसको प्रॉपर तरीका बताता हूँ ये किस तरह तैयार होती है। व्यूअर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शोर ज़्यादा है,
ये मैं एक आपको बना के दिखाने लगा हूँ, बकाया ये लड़के बनाएंगे। ये इस तरीके से देखें, मैंने आपको यहाँ चढ़ा के दिखा दिया। अब ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे ये मुकम्मल तैयार होने में, मुकम्मल तैयार होने में 6 से 7 मिनट लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता रहता हूँ। मेरे कोलों में और इसमें देखें 4 इंच का फासला है, ये फासला रखिएगा, ये इन कोलों में और यहाँ से फासला होना चाहिए, बिल्कुल ये साथ ना हो कोले फिर ये अच्छे नहीं बनते। इसको मैं सेकता रहूँगा, फिर इंशाल्लाह रामिश साथ साथ आपको दिखाता रहेगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका अल्हम्दुलिल्लाह। जेले वीवर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट हो गए हैं, इसको देखें मैं कोलों पे इसको सेकते हुए 5 मिनट के बाद आपने ट्रायल लगाना शुरू करना है। या बचाल ट्रायल लगा दें ऐसे, ताकि ये आपकी पहले नहीं लगाना, 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है आपने। 5 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर आयल लगाना शुरू करना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इसको अच्छी तरीके से आयल लगा दें और 2 से 3 मिनट मज़ीद सेक लें, फिर 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल देखें रेडी हो चुका है, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। इस तरह का इसका कलर रखिएगा, इस तरह का ये प्लेट है हमारे पास, मैं आपको बताऊँ। इसको डिश आउट करते हैं, देखें इस तरीके से आप ले लें और इस तरीके से इसको डिश आउट कर दें। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, इंशाल्लाह टेंशन ना लिया करें, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा काम शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह टेंशन ना लें। जेड़ा बंदा नहीं ना दस दे तो बेच दी गल दस नहीं, इंशाल्लाह तुम टेंशन ना लिया करो, अल्लाह की अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है, मेरा साथ आपके साथ है, आप घबराया ना करें, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। जो सर्दी के हवाले से रेसिपियाँ तैयार हैं, सूप वगैरह की, मछली वगैरह की, फ्राई फिश की, लेकिन वो टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से रेसिपियाँ आप तक नहीं पहुंच रही। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अगले वीक तक आपको तमाम रेसिपियाँ आप तक पहुँच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।